खाने के लिए इतना ये कि मंदिर में सभी मर्यादित कपड़ों में आए, खाना चाहिए मंदिर के अंदर, शॉर्ट कपड़े पहन के नहीं आए, कटी पटी जींस पहन के नहीं आए। इस पर पाबंदी तो सही लगाई है वैसे। ये मंदिर में आने के लिए जो महिलाओं का परिधान है शालीन होना चाहिए। अगली बार से जो भी आए पूरे कपड़े पहन के आए, इस तरीके के कपड़े पहन के आने से शॉर्ट जीन्स या नाइट सूट मंदिर की ये भी अपमानजनक ही है। पवित्र साधना का स्थल है और मंदिर में हमें पूर्ण भक्ति भाव के साथ ही प्रवेश करना चाहिए। शारदीय नवरात्रे शुरू हुए हैं, आज पहला दिन है। आपने कम्प्लीट मंदिर के बाहर लगा रखा है और अंदर भी रक्षी लगा रखी है। इस पे लिखा हुआ है कि मंदिर के अंदर पवित्र साधना स्थल है और इस तरीके के कपड़े पहन के आए, क्या लिखा हुआ है, क्या है मामला पूरा? सभी भक्तों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, कृपया सही वस्त्र पहन कर आए, जैसे कि आना चाहिए मंदिर के अंदर, शॉर्ट कपड़े पहन के नहीं आए, कटी पटी जीन्स पहन के नहीं आए और शॉर्ट कपड़े कोई पहन के नहीं आए। हाथ जोड़ सबसे निवेदन है कि जैसे कि मंदिर में आना चाहिए, हमारे मर्यादा के अनुसार ही वस्त्र पहन के आए, मतलब मर्यादित कपड़े पहन के आने हैं। अच्छा, आपके जो ये लड़की खड़ी हुई है इसने उनको रोका भी है, मैंने भी किया कि आप इस तरह के कपड़े पहन के नहीं आ सकते। एक हाँ, लड़की आपने कार्ड बना के आई कार्ड बना के बच्चों को क्या नाम है लड़की को गले में डाल दिए हैं आई कार्ड वगैरह, और उनसे कह दिया गया, तो बच्चे वो इस तरीके सेवा कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं वो। सर की साहब चामुंडा मंदिर में है, आई कार्ड आपके गले में पड़ा है, तो आपकी क्या ड्यूटी है और आप महिलाओं के लिए मर्यादित कपड़ों के लिए पहन के आने के लिए बोल रही हैं, क्या है मामला? यहाँ बस आने के लिए इतना ये कि मंदिर में सभी मर्यादित कपड़ों में है। आप उनसे मना कर रही हैं? उनसे बस इतनी विनती है कि वो सभी अपने मर्यादित कपड़ों में, इसी के लिए आप यहाँ खड़ी हुई हैं। जिस तरीके से आपका जो ये आपने आदेश फ्लेक्सी बोर्ड लगा के मंदिर के बाहर अंदर लगाया गया है और आपने स्पष्ट रूप से कहा गया है आई कार्ड लगा के अपने मंदिर समिति के लोगों को और बच्चों को खड़ा कर दिया गया है और जो महिलाएं आ रही हैं उनको भी टोका जा रहा है, तो क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यही है कि हमारे श्री सनातन धर्म में ही सिर ढका होना चाहिए स्त्री का, ठीक है, उसी हिसाब से पूजा करनी चाहिए। और आजकल तो यह सब लोग बिना क्या नाम है चुन्नी के आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये बच्चों को लगाया सेवादारों को कि कम से कम जब वो पूजा करें तो कम से कम सिर ढका होना चाहिए और ऐसे वस्त्रों में आए जिससे किसी की पूजा में विघ्न ना हो। अपने क्या नाम है शॉर्ट जैसे वस्त्र हैं, बरमुंडा वस्त्र चल रहे हैं और आपके कटी पटी जीन्स हैं, तो उस कपड़ों में कृपया या लड़कियाँ नहीं आए, हाफ पैंट और ये ये भी हाफ पैंट और ये पहन के नहीं आए। क्या नाम सर आपका? महंत मुरली सिंह। जिस तरीके से महंत जी ने यह आदेश पारित किया इसका इसमें क्या कहना है आपका? महंत जी ने सही कहा है कि ये जींस वगैरह गर्ल्स को ये लड़कियों को आप पहन कर नहीं आनी चाहिए, चुन्नी वगैरह हमें सर पर ढक कर ही आना चाहिए मंदिर में, ये तो हमारे पहले से ये चीज़ें होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए नंगे से पूजा करते ही नहीं है, तो ये सिर पर ढक कर आना ही चाहिए, ये चीज़ तो पूजा करनी चाहिए। महंत जी सही कह रहे हैं। जिस तरह जीन्स और उस पर पाबंदी लगाई मोबाइल पर, क्या महसूस, क्या कहते हैं? इस पर पाबंदी तो सही लगाई है वैसे, कहा तो मंदिर में फोटो खींचना भी गलत है। हाँ, मंदिर में फोटो पर, क्योंकि वो और लोग पूजा कर रहे हैं तो उन्हें भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा इस चीज़ का कि वो पूजा कर रहे हैं, वो भी क्या उन्हें एक तरफ फ़ोटो खींचे जा रहे हैं, एक तरफ वो पूजा कर रहे हैं, तो थोड़ा उन्हें भी वो लगेगा।
थोड़ा पूजा में ध्यान अच्छे से, जब आप पूजा करने आए हैं तो अच्छे से पूजा कीजिए, पूजा के भाव से आए, पूजा के भाव से ही आए तो पूजा कीजिए इस चीज की। इस तरह से महा जी ने पाबंदी लगाई है, कोई जीन्स टॉप या कपड़े फटे हुए या मोबाइल लेकर नहीं आएगा, क्या मानते हैं पूजा पाठ के बीच में जिस तरह से ये आदेश आया? जी बिल्कुल सही है, सही करा है हमारे पुजारी जी ने। देखिए मंदिर में आने के लिए जो महिलाओं का परिधान है शालीन होना चाहिए, जिससे भक्ति भावना, जिस भक्ति भावना से आती हैं वो भक्ति भावना दिखाई देनी चाहिए। फटी हुई जीन्स वगैरह से जो है ध्यान भंग होता है, अन्य भक्तों का भी ध्यान भंग होता है, ये सही नहीं है। फोटोशूट करना भी गलत है मंदिर में, सेल्फी लेना? जी हाँ, फोटोशूट करना भी गलत है, बार बार मोबाइल की घंटी आती रहती है, पूजा में विघ्न होता है। दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में महिलाओं का साड़ी पहनकर आना ही आवश्यक है, तो यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए। और जैसे आदेश दिया कि इसको माने करेंगे आप लोग, आप भी साड़ी में जैसे आए हैं औरों को भी इस तरह का जागरूक करेंगे? जी मैं जागरूक करना चाहूँगी, साड़ी सलवार सूट में आ सकते हैं, शालीनता के साथ आए। तरीके से आपकी तरफ से मंदिर समिति की तरफ से एक फ्लेक्सी लगाई गई है और उनको रोका जा रहा है जो ऐसे वस्त्र पहन के आ रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में आपका? हमारा कहना ये है, हाफ टी शर्ट में और हाफ बाजू में नहीं आए, हमने फ्लेक्सी लगा दी गई है, सबको बताया गया है, हमने लड़के भी खड़े लगे हैं, जो भी बाहर से ही जो भी आए तो मतलब समझा सकता है उन्हें, वो अगली बार से दर्शन बाहर से ही करेंगे, अगली बार से मतलब जो भी आए पूरे कपड़े पहन के आए, मतलब मंदिर में प्रवेश नहीं करें जी, मंदिर में अंदर नहीं आए, मंदिर के अंदर नहीं आए, मंदिर के बाहर ही लड़कों ने हमने कर रखी है व्यवस्था, ये सब मंदिर समिति का आया, मंदिर की समिति मंदिर में एक फ्लेक्सी लगाई गई है और आदेश जारी किया गया है कि मंदिर में मर्यादित कपड़ों के साथ ही आएँ और कटे फटे कपड़े पहन के आएँ, इसका बारे में क्या कहना है आपका? भाव से ही आना चाहिए, सर ढक के आना चाहिए, पूरे कपड़े पहन के आना चाहिए, इस तरीके के कपड़े पहन के आने से शॉर्ट जीन्स या नाइट सूट उस मंदिर की ये भी अपमानजनक ही है, मतलब पूजा के भाव से आना चाहिए, जब मोबाइल का सेल्फी का यू प्रयोग भी नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं पूजा के भाव से ही आना चाहिए, मंदिर में मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जिस तरह मंदिर में ये पोस्टर लगाया पढ़ाई थी अभी, जिसमें लिख रहा है कि मंदिर में महिलाएं छोटे वस्त्र पहने आए, साड़ी में आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये संस्कार नहीं होते हमारी भारतीय संस्कृति की, ऐसे छोटे वस्त्रों में ऐसे कपड़ों में मंदिर में जाना। आप समर्थन कर रहे हैं इसका? जिस तरीके से आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और आपने एक फ्लेक्सी अभी पढ़ रही थी, आप देख रही थी बहुत ध्यान से, तो क्या ये सही है गलत है, क्या इसका समर्थन करते हैं, क्या है ये मामला? ये है कि तो मोबाइल भी ना आए और सेल्फी कम से कम मिल जाए और कपड़े परिधान अपने सांस्कृतिक उससे पहने जाए, तो साड़ी और सूट है पूरा ढका हुआ, तो ये मंदिर में आ रहे हैं, हम लोग किसी उत्सव में नहीं जा रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखें। मंदिर समिति और ये पुजारी जी का डिसीजन बहुत बढ़िया है, समर्थन करते हैं? हाँ मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। जिस तरीके से फ्लेक्सी मंदिर के गेट पर लगी है, बाहर लगी है, पुजारी जी ने मंदिर समिति ने फैसला लिया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मंदिर पवित्र साधना का स्थल है और मंदिर में हमें पूर्ण भक्ति भाव के साथ ही प्रवेश करना चाहिए, मर्यादित वस्त्रों को जो हमारी संस्कृति को से संबंधित हैं, जो हमारे सनातन धर्म का उत्थान करें, हमारे सनातन धर्म को प्रसिद्धि प्रदान करें, ऐसे ही वस्त्रों का और ऐसे ही भक्ति भाव के साथ हमें हर साधना स्थल पर, पवित्र स्थल पर प्रवेश करना चाहिए। जिस तरीके से वो मोबाइल के लिए बोल रहे हैं फ्लेक्सी नहीं लेनी चाहिए, अपना सेल्फी वगैरह नहीं लेना चाहिए, मतलब क्या है कि जो भक्त लोग पूजा पाठ में लीन होते हैं और जब हमारे मोबाइल बजते हैं और हम लोग फोटोग्राफी करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे भक्तों को उससे व्यवधान उत्पन्न होता है, इसलिए हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए और अन्य भक्तों का भी ध्यान करते हुए अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें, या थोड़ा सा अन्य भक्तों को भी पूजा में विघ्न देना पड़े ऐसा हमें कोई कारण नहीं। महिला युवतियों के साथ लेडीज जेंट्स के लिए, युवकों के लिए हाफ पैंट नाइट सूट के लिए भी मैंने, वो सभी के लिए, कोई भी श्रद्धालु हो चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, मर्यादित वस्त्रों में ही अगर मंदिर में या किसी भी पवित्र स्थल पर जहाँ पूजा होती हो साधना होती हो वहाँ प्रवेश करना चाहिए। जय माता की।